हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन विद राजेश चंद्र। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की बायोग्राफी के ऊपर। तो माइकल जेफरी जॉर्डन, जिनको एमजे के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म जो है वो 17 फरवरी 1963 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था। माइकल जॉर्डन अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा बहुत नाम कमाया है और ये बहुत ही अमीर एक उद्यमी और बहुमत रूप से चार्लोटे बॉबक्स के नाम मालिक भी हैं। इनकी जो जीवनी है वो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन पर, और उसमें कहा गया है कि माइकल जॉर्डन इस खेल के सबसे बड़े और मशहूर खिलाड़ी रहे हैं। जॉर्डन जो अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े और प्रभावित खिलाड़ी रहे हैं। दुनिया भर में जो जॉर्डन को लोकप्रिय बनाने में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। NBA जो है इसको जो मेन जो टारगेट किया गया है, तो ये जॉर्डन ने ही इसको प्रमोट किया है। नॉर्थ कैरोलिना के चैपल हिल में ये 3 सीज़न व्यवसायी के हैसियत से एक सदस्य थे इसी में NBA में, और इन्होंने NBA के शिकागो बुल्स से जुड़ गए थे। उनके खेल का जो प्रदर्शन इतना अच्छा था कि सारे लोग उनसे बहुत प्रभावित होते थे कि माइकल जॉर्डन आएगा, माइकल जॉर्डन डंक लगाएगा। ये सब चीज़ें इन्हीं की देन है। बास्केटबॉल में जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो भी चीज़ें धीरे धीरे मॉडिफाई की गई हैं, ये सब इन्हीं की स्टार्टअप है माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन ऐसे प्लेयर थे जिनको एयर जॉर्डन या हिस एरनेस के नाम से भी बुलाया जाता था। इन्होंने जो है अपनी पहली NBA जो चैम्पियनशिप जीता, और उसके बाद लगातार 2 साल तक इस जीत को बनाए रखा। और वक्त ऐसा भी था जब जॉर्डन बास्केटबॉल से निवृत्त होकर बेसबॉल में दिलचस्पी दिखाने लगे थे। बेसबॉल भी एक गेम होता है उसमें, फिर लेकिन फिर इन्होंने अपना व्यावसायिक बास्केटबॉल में ही बनाने का मतलब अपना कैरियर बनाया इन्होंने बास्केटबॉल में ही। और जो जॉर्डन है वो इस कदर मशहूर थे कि वो अन्य वस्तुओं की बजाय अपना जादू चला ही देते थे। माइकल जॉर्डन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज की युवा पीढ़ी का सांस बढ़ाते हैं, और माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के भगवान हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइकल जॉर्डन बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो जो अपने माँ बाप के पास 5 बच्चों में से चौथा बच्चा ये था माइकल जॉर्डन। उसके 2 भाई हैं जिनके नाम हैं लॉरेल लॉयर जॉर्डन और जेम्स आर जॉर्डन। साथ ही साथ एक बड़ी बहन थी डेलोरिसी और एक छोटी बहन थी रोसलिन भी। और जॉर्डन एक बहुत ही बड़े नामी खानदान से आते थे। नामी खानदान का मतलब होता है कि जो अच्छे घराने से आते थे। माइकल जॉर्डन ने जुआनियता विनय से शादी की, और जॉर्डन के 3 बच्चे हैं जिनमें से 2 लड़के हैं जेफरी माइकल और मार्क्स जेम्स, और एक लड़की है जिसका नाम है जस्मिन। और जॉर्डन और उनकी पत्नी ने तलाक लेने का निर्णय किया था क्योंकि उनके बीच बहुत सारी गलतफहमियां हो गई थी, तो उन्होंने खुद के दम पर सुधारने का निश्चय भी किया। नेसुला नौकरण के उन्होंने तलाक की अर्जी लगाई और दोनों अलग भी हो गए थे। कहा गया है कि जॉर्डन की पत्नी जुनानिता जुर्माने के तौर पर इनसे पैसे भी लेती थी। जॉर्डन का जो बेटा है मार्क्स भी अपने पिता के जैसे बास्केटबॉल में दिलचस्पी दिखाते हुए अपनी पाठशाला में खेलता था। जॉर्डन जो है ओलंपिक 7 पदक विजेता भी रहे हैं। अमेरिकी बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ी हैं। एक कॉलेज के खिलाड़ी के रूप में भी इन्होंने ग्रीष्मकाल ओलंपिक में भाग लिया और 7 पदक जीता भी है। तो इस प्रकार ये डेविड रॉबिन्सन, लैरी बर्ड, मैजिक जॉनसन, बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के जो भी रहे हैं वो सब इन्हीं के साथ खेलते थे। तो ये सबसे मेन खिलाड़ी रहे हैं अपनी टीम के, और NBA में इनका बहुत बड़ा रोल है। टीम के सदस्य बने जिसे ड्रीम टीम का नाम भी दिया गया। ड्रीम टीम का मतलब सब समझते हैं कि मतलब जिन लोगों का सपना है आज की डेट में कि हमें जॉर्डन की टीम में जाना है, तो ये एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी टीम में आने के लिए लोग तरसते थे। जॉर्डन ओलंपिक के भी सभी खेल शुरू करने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे। जॉर्डन और साथ ही ड्रीम टीम के सदस्य पैट्रिक एविंग और क्रिस मुलेन शो के पेशेवर रूप में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र अमेरिकी पुरुषों के खिलाड़ी में आते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये ओलंपिक खिलाड़ी भी रहे हैं, विजेता भी रहे हैं, और NBA को स्टार्टअप कराने वाले भी रहे हैं। तो ये हैं माइकल जॉर्डन की तस्वीर, ये आप देख सकते हैं। तो जॉर्डन ने बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बास्केटबॉल में ऐसे ही मतलब विजेता बन गए। बहुत मेहनत की, उसके बाद में धीरे 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 चीज़ों को मॉडिफाई करते गए, और जो आज की डेट में जो बास्केटबॉल है, इन्होंने उस ज़माने में बास्केटबॉल को इतनी ऊँचाई तक पहुँचाया और अमेरिका का नाम रोशन किया इन्होंने। NBA टीम का, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आज की यही अपडेट थी, और जॉर्डन के बारे में मैं आपको ब्रीफली बताना चाह रहा था। तो जॉर्डन जो हैं वो NBA के जाने माने खिलाड़ी हैं, और NBA के नाम से तो आप लोग जानते ही हैं कि बास्केटबॉल को जाना जाता है। तो इसलिए जो NBA के नाम से जाना जाता है उसको में अहम भूमिका निभाने वाले माइकल जॉर्डन ही थे, जिन्होंने पूरी वर्ल्ड में अपने नाम का डंका बजाया है।
इसी के वजह से मैं आपको बास्केटबॉल के बारे में रूबरू कराना चाह रहा था कि एक अच्छे खिलाड़ी की क्या खासियत होती है, कितनी मेहनत करता है और उसने कैसे कैसे अपने चीज़ को कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखा। उसमें पारिवारिक डिस्टर्बेंस भी हो गई तब भी उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और एक जीवन में अपना एक संकल्प बनाए रखा कि मुझे करना है तो इसी गेम में करना और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना, और उन्होंने बढ़ा कर दिखाया। तो यही होता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं, उनको भी अपना एक मोटिवेशन बनाए रखना चाहिए, डेडिकेशन दिखाना चाहिए, ऐसे लीजेंडरी प्लेयर को देखना चाहिए, उनकी बायोग्राफी को पढ़ना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि हम भी इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और पेरेंट्स भी उनको मोटिवेट करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो सभी फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने फैमिली ग्रुप को भेजें और सभी चिल्ड्रंस को दिखाएं। थैंक यू।